अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और खबर आपके सामने हाजिर है एक न्यू टॉपिक के साथ। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, अपॉइंटमेंट या व्हाट्सएप पे डायरेक्ट अपनी डिटेल सेंड करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चले अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज की जो हमारी डिस्कशन है, जो टॉपिक है वो ये है कि ऐसी कौन सी खातीन है जिनको नॉर्मल ट्रायल की तरफ रुजू नहीं करना चाहिए, यानी कि उनके लिए सी सेक्शन ही बेहतर है। चलिए उसमें से हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आ जाता है कि अगर आपकी अवल यानी कि प्लेसेंटा लोअर लाइंग है, अगर आपकी डॉक्टर या आपकी रेडियोलॉजिस्ट जहां से हम कंफर्मेशन करते हैं एक्यूरेसी के लिए, वो आपको जब बताएं कि आपकी अवल नीचे है और उसमें आपको इंटरवल ही यानी कि कुछ कुछ टाइम के बाद थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग यानी कि ब्लीडिंग भी साथ साथ हो रही है, उसमें प्लेसेंटा प्रीविया आ जाता है जिसकी चार टाइप से मैंने काफी डिटेल से ये बताया। उसमें हम ये होता है कि किसी भी टाइम डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं, ब्लीडिंग हो रही होती है, ज्यादा खून पड़ सकता है, मां और बच्चे की जान को खतरा होता है, इसलिए हम उसमें नॉर्मल ट्रायल का बिल्कुल भी नहीं कहते क्योंकि प्लेसेंटा बिल्कुल बच्चेदानी के मुंह पे पड़ा हुआ होता है, उससे बाज़ोकात हिस्टरेक्टमी यानी कि बच्चेदानी निकालनी भी पड़ सकती है, तो इसलिए हम उसमें रिकमेंड नहीं करते। दूसरी चीज आ जाती है जी उल्टा बच्चा, यानी कि आपका पहला वो प्रेगनेंसी है, आपकी पहली डिलीवरी है और आपका बच्चा उल्टा है, यानी कि उसको सर ऊपर और टांगे नीचे हैं, ट्रांसवर्स यानी कि आड़ा है, टेढ़ा है, ओब्लीक है, तो उसमें हम एंड तक ट्राई करके स्कैन्स पे देख के अगर वो नहीं होता सीधा तो उसमें भी हम रिकमेंड नहीं करते क्योंकि बेबी बाकी तो डिलीवर हो जाता है लेकिन एंड पे उसका सर फंसने का, हेड स्टक होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम उसमें भी ट्राई नहीं लेते। उसके बाद आ जाता है कि अगर आपका पहले ऑपरेट हुआ है, 18 मंथ से गैप कम है, स्कैन कराते हैं, रूल आउट करते हैं कि स्कार थिकनेस कितनी है, अगर वो ठीक नहीं आ रही और बेबी भी गुड साइज है, काफी चीजें देखनी पड़ती है, फिर रिकमेंड किया जाता है कि पहले सी सेक्शन के बाद आप डिलीवरी करा सकते हैं, तो अगर वो नहीं क्राइटेरिया पे उतर रहे हैं तो उसमें भी हम सी सेक्शन ही करेंगे, नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं लेंगे। उसमें 3-4 चीजें देखनी होती है लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि सब चीजें अगर कोलैबोरेट कर रही हैं, बिल्कुल ठीक है, क्राइटेरिया भी उतर ही है, तो हम प्रेफर यही करते हैं और मेरी पूरी से पूरी कोशिश होती है कि उसके बाद नॉर्मल डिलीवरीज ही कराई जाए। इसके बाद आज तक अगर आपके दो या दो से ज्यादा ऑपरेशन है तो उसमें तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे भी साइंटिफिकली भी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है क्योंकि आपकी बच्चेदानी कच्ची हो चुकी होती है, बार बार उस पर कट लगे होते हैं और जब आप में इतनी ताकत नहीं होती है कि आप लेबर पेन्स ले सके तो बच्चेदानी फटने के चांसेस होते हैं, मां और बच्चे की दोनों की जान को खतरा होता है, इसमें तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता। इसी तरीके से आ जाता है फेल्ड इंडक्शन, यानी कि आप पोस्टेड हो चुके हैं, आपका टाइम पीरियड गुजर चुका है, 40 वीक्स हम ट्राई करते हैं कि वहां तक पेशेंट नॉर्मली पहुंच जाए, लेकिन अगर वो उसको भी क्रॉस कर लेता है और अभी सब कुछ ठीक आ रहा है तो उसमें हम इंडक्शन ऑफ लेबर यानी कि टैबलेट या कुछ जेल्स या कुछ ट्यूब्स के थ्रू हम आपको आर्टिफिशियल पेन्स देते हैं और उसमें क्या होता है, अगर एक ट्रायल लिया, दूसरा ट्रायल लिया, तीसरा ट्रायल लिया और उसके बाद आपका नहीं हो रहा तो फेल्ड इंडक्शन करके हमें सी सेक्शन करना पड़ता है, उसके बाद हम नॉर्मल पेन्स की वेट नहीं कर सकते क्योंकि एक तो टाइम ऊपर हो चुका होता है, ऊपर से इंडक्शन दी होती है, आर्टिफिशियल पेन की ट्रायल ही होती है तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उसमें भी फेल्ड इंडक्शन करके सी सेक्शन ही करना पड़ता है। ऐसे ही आ जाता है कि अगर अभी आपका स्टार्टिंग लेबर है यानी कि 2 सेंटीमीटर आपका बच्चेदानी का मुंह खुला है या 3 चले 4 कर लें लेकिन उसके बाद बहुत टाइम हो चुका है और आपका बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है और बेबी की हार्टबीट सीटीजी पे यानी कि उसकी हार्टबीट खराब आ रही है, डिप्स आ रही है, डिस्लेशन आ रही है, तो उसमें भी हम रिकमेंड करते हैं कि ये ना हो कि बच्चा पेट में ही पहाना कर दे, मिकोनियम पास कर दे, उसको स्परेट कर दे तो बच्चे की जान को खतरा होता है, इस सूरत हाल में भी सी सेक्शन ही रिकमेंड किया जाता है। इसके बाद आता है कि अगर आपका बेबी गुड साइज है यानी कि 4 kg से ज्यादा है तो उसको भी इंटरनली चेक करना पड़ता है, हमें पेल्विक एग्जामिनेशन करना पड़ता है कि अगर वो इस रास्ते से पास हो सकता है क्योंकि 4 kg से ज्यादा बेबी के लिए पास होना बहुत मुश्किल है और वो भी फर्स्ट डिलीवरी में, उसमें भी फिर रिकमेंड यही किया जाता है कि अगर नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकता, ट्रायल देते हैं उसमें लेकिन बच्चा नीचे नहीं आ रहा तो उसमें फिर सी सेक्शन ही किया जाता है, ऐसा नहीं है कि ट्रायल नहीं देते। फिर आ जाता है शॉर्ट स्ट्रेचर, यानी कि जिन औरतों के कद छोटे होते हैं उनको अक्सर सीपीडी होता है यानी कि कफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, उसमें क्या होता है कि बच्चे का हेड नीचे नहीं आता, स्टक हो जाता है, आपकी हड्डी छोटी होती है, बच्चे का सर बड़ा होता है, तो उसमें भी रिकमेंडेशन यही है कि हम उसमें नॉर्मल ट्रायल की तरफ नहीं जाते। ऐसे ही आ जाता है जी अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, यानी कि माँ का बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है,
है, बच्चे की धड़कन खराब हो रही है, बच्चेदानी तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, आवल फटने का खतरा है, तो उसमें भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो हम सी सेक्शन रिकमेंड करते हैं कि अब आपको इमरजेंसी, बहुत कुछ इस तरह के मरीजों का इमरजेंसी सी सेक्शन ही करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका बीपी कंट्रोल्ड है, बच्चे की हार्टबीट ठीक है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, तो नॉर्मल डिलीवर भी ऐसे पेशेंट होते हैं। चलिए जी, होप सो आपको आइडिया हुआ होगा, काफी आपको इससे नॉलेज गेन हुआ होगा। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक के हम चाहते हैं कि वीडियो बनाएं तो हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट करें, हम जरूर उस पर नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाएंगे। ये सब आपकी रिक्वेस्ट पे ही टॉपिक हम बनाते हैं। हमारे चैनल को ज्यादा से लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।